दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग का FRP हम फ्री में कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज के डेट में सैमसंग का FRP कराना, ऑनलाइन अगर आप कराते हैं तो आपको पता होगा कि क्या प्राइस चल रहा है। बहुत ही हाई प्राइस चल रहा है, जहाँ पर पहले हमें जिस प्राइस से करना पड़ता था उससे 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना भी कहीं कहीं पे लग रहा है अनलॉकिंग के लिए, FRP अनलॉकिंग के लिए। तो सैमसंग का FRP आज के डेट में बहुत ही महंगा हो चुका है, तो इसे हम फ्री में कैसे कर सकते हैं एकदम 100% टेस्टेड और क्लियर आपको मैं आज दिखाऊंगा। आप इजीली फ्री में एंड्रॉयड 10 11 जो भी हो लेटेस्ट वर्सन उसमें आप फ्री में FRP बाईपास कर सकते हैं, और हमें इसमें कोई झंझट भी नहीं है। बहुत ही क्लियर आपको वीडियो दिखाई देगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसा ही कोई लेटेस्ट जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो आप तक पहुँचते रहे। और दोस्तों वीडियो कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा, बिना कम्प्लीट देखे कोई भी कमेंट मत कीजिएगा। इसमें फुली टेस्टेड और क्लियर बताया गया है कैसे करना है आपको एंड्रॉयड 11 का FRP में। तो दोस्तों ये रहा सैमसंग का A21s लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के साथ, और इसे हम बहुत ही इजीली आज FRP बाईपास करेंगे। तो चलिए पहले इसे हम वाईफाई से कनेक्ट करके देख लेते हैं कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे अगर स्किप करना चाहेंगे तो स्किप नहीं हो पाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वाईफाई को कनेक्ट करना है। तो चलिए वाईफाई को हम कनेक्ट कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसे चेक कर लेते हैं इसमें FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो पिन डालिए या तो आप गूगल अकाउंट डालिए, दोनों में से एक कीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम गूगल अकाउंट पे टच कर लेते हैं और देखते हैं इसमें स्किप का ऑप्शन है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किप का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, पहले तो हम इसे एक टूल से ब्राउज़र को ओपन करेंगे। टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आ चुके हैं PC स्क्रीन पे, तो चलिए टूल को हम ओपन करते हैं। टूल एकदम ही फ्री है, इसमें कोई पेमेंट नहीं लगता है, एकदम फ्री टूल है FRP बाईपास टूल। इसमें हमें ब्राउज़र को ओपन करने में बहुत ही ईजी होता है। तो फ़ोन को हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है PC के साथ, आप देख सकते हैं। और इस टूल को क्लिक करने से पहले हमें फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट रखना होता है। तो हमारा फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है वाईफाई से, तो यहाँ पे हम बाईपास FRP में क्लिक कर देंगे। टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थोड़ी देर में आपका ये ब्राउज़र का ऑप्शन आ जाएगा, व्यू का ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो व्यू में हम टच करेंगे तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक्सेप्टेंट कंटिन्यू करके नेक्स्ट कर लेते हैं और नो थैंक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है FRPfile.com। तो चलिए हम FRPfile.com टाइप कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें वो जो 3 लाइन बना हुआ है इसमें टच करेंगे, बाईपास APK में हम टच कर लेंगे। और यहाँ पे हमें गैलेक्सी स्टोर मिलेगा ऊपर में, पहले नंबर पे आप देखिएगा यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर है, उसमें हम टच कर लेंगे और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम इसे कट करेंगे पहले। तो हम यहाँ पे टच कर लेंगे तो हमारा गैलेक्सी स्टोर ओपन हो जाएगा, और इसको पहले तो हमें एग्री कर लेना है और ये अपडेट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट का आ रहा है ऑप्शन, तो अपडेट कर लेंगे हम इसे पहले।
तो अपडेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा बैक हो चुका है। तो एक बार हम बैक करके frbfile.com के पास वहाँ पर जाएंगे, फिर से हम गैलेक्सी स्टोर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से टच कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से हम फिर से गैलेक्सी स्टोर को ओपन करेंगे। और यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे वन टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे जो फाइल का सर्च करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्लैश सर्विस हिडन सेटिंग। फ्लैश सर्विस हिडन सेटिंग टाइप करके हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे, टच कर देंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो सेटिंग का सिंबल लगा हुआ ऑप्शन है, यही है प्ले सर्विस हिडन सेटिंग। इसमें हम टच करेंगे तो हमें इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो यहां पे एंड्रॉयड हिडन सेटिंग भी सर्च कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, वो डायरेक्ट आ जाता है उसमें। यहां पे अगर हम एंड्रॉयड हिडन सेटिंग टाइप करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर में आ चुका है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, दोनों में से कोई भी किसी भी एक तरह से आप सर्च कर सकते हैं। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हिडन सेटिंग फॉर एंड्रॉयड, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन करेंगे। तो चलिए इंस्टॉल होने देते हैं। तो इंस्टॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम ओपन पे टच करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे सर्च पे टच कर लेना है और टाइप करना है स्क्रीन लॉक। तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक का सेटिंग आ जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें हम टच कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें हम टच कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें पैटर्न, पिन, फिंगरप्रिंट कुछ भी हम सेट कर सकते हैं। तो पिन हम सेट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। तो ओके कर लेते हैं। इस ट्रिक में हमें कोई सैमसंग आईडी का भी ज़रूरत नहीं है और जीमेल आईडी का भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो बैक करके हम पहला स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम 2-3 बार लॉक कर लेंगे फ़ोन को और स्टार्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट में शुरू करते हैं सेटअप। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपने देखा, कुछ ही मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं इसका बाईपास। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर हो सकता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन में FRP बाईपास कैसे किया जाता है सबको पता चल जाए। जो कि आज के डेट में सैमसंग का FRP अगर ऑनलाइन आप कराते हैं तो कितना हाई प्राइस है, इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा था। तो आपको अगर फ़ायदा मिले तो ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल को, और सॉरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए आपको हम वर्जन भी चेक करा देते हैं सेटअप कंप्लीट करके। तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, फ़ोन हमारा सक्सेसफुली बाईपास हो चुका है। तो चलिए चलते हैं सेटिंग्स में और आपको हम वर्जन भी चेक करा देते हैं इसका क्या वर्जन है। सैमसंग का कोई भी मॉडल हो लेटेस्ट वर्जन के साथ, एंड्रॉयड 10 हो, 11 हो, आप यहाँ इस ट्रिक से बाईपास ईजीली कर सकते हैं, कोई भी झंझट नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे एंड्रॉयड 11 आप देख सकते हैं 3.1, तो देख सकते हैं आप
एंड्रॉयड 11 है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।